बस माँ, इतनी कृपा करना। जवाब देते वक्त ना तो मेरी जुबान से सही हम चाहे और ना ही सच। आपने आप सब ने मेरे और अनुज के रिश्ते पर लाल झंडा लगाया, ताने कसे, जाने क्या क्या बातें कही, जो मन में आया कहा। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि खोट आपकी नजर में है, खोट आपकी सोच में है, हमारे रिश्ते में नहीं। ये लड़का लड़की के दोस्ती का रिश्ता ना अमेरिका में हो सकता है, यहाँ पे नहीं। वाह, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ। अगर पूरी दुनिया में मर्द और औरत की दोस्ती की सबसे पहली मिसाल होगी तो वो हमारे देश में, हमारी संस्कृति में। द्रौपदी कान्हा जी की सखी थी, प्रेमिका नहीं थी, पत्नी नहीं थी, बहन नहीं थी, दोस्त थी। पर ना तो ये बात आपको तब समझ आई थी, ना ही आ जा रही। तुझे दोस्ती रखनी है तो रख, लेकिन इस मोहल्ले में नहीं, उसके मोहल्ले में जा करके। हमारे मोहल्ले में ये सब नहीं चलेगा। अच्छा, कब से नहीं चलता काकी? जब काव्या इसी मोहल्ले से मिस्टर शाह की गाड़ी में बैठ के जाती थी, आती थी, जब काव्या इसी मोहल्ले में हमारे घर में हर तीज और फंक्शन में आती थी, तब क्या आपकी आंख में मोतियाबिंद पड़ गया था? तब आपको नहीं लगा कि ये गलत है? तब इस मोहल्ले की सराफत नहीं जागी थी? तब किसी को भी याद नहीं आया था कि ये शरीफों का मोहल्ला है? अचानक से इस देश के सभी गली मोहल्लों की सराफत तब क्यों जाग जाती है जब एक औरत घर के बाहर निकलती है? मर्द चाहे कुछ भी करे, चाहे जहां जाए, जिससे मिले, सब आंख बंद करके चादर ओढ़ के सो जाते हैं, लेकिन जहां पर एक औरत को गलती से भी कोई भी मिलने आया तो अचानक से सब जाग जाते हैं, फटाफट से मनो और कहानियां लिखना शुरू कर देते हो। अरे तो तलाक लेगी तो लोग कहानियां ही बनाएंगे ना। तलाक तो मिस्टर शाह का भी हुआ है तो उनपे कहानियां क्यों नहीं बनती काकी? क्योंकि वो मर्द है, इसलिए। मर्द की तलाक से पहले गर्लफ्रेंड हो सकती है, लेकिन औरत का तलाक के बाद एक दोस्त तक नहीं हो सकता। ना शादी से पहले, ना शादी के बाद कोई भी आदमी औरत का दोस्त नहीं हो सकता। और तलाक का दाग सिर्फ औरत पे क्यों लगता है, मर्द पे क्यों नहीं? मर्द ऐसे स्टेनलेस स्टील के बने कि एक भी दाग उन पर नहीं रह सकता हो, और औरत माटी की बनी है, इतनी आसानी से दाग लग जाता है। वो तब जाता है जब वो पूरी की पूरी टूट नहीं जाती। ए लीला, इसको बोल जुबान को ना काबू में रखे। जुबान काबू में ही है। स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा आगे जाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें, इस एपिसोड में आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे जो कि आपने अभी तक के एपिसोड में नहीं देखे होंगे। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि एक एक करके सारे एपिसोड के पार्ट अपलोड किए जा रहे हैं, तो तुरंत चैनल को विजिट करें और तुरंत दूसरा पार्ट देखें आप।